नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि जिस माँ बाप ने अपनी औलाद को पलकों पर बिठाकर पाला पोसा, वहीं औलाद उनको मौत के घाट उतार दे? जी हाँ, एक ऐसा ही मामला सामने आया है कानपुर के बर्रा इलाके से। क्या है पूरा मामला देखिए। जिस बेटी को माँ बाप ने गोद लिया था, उसी बेटी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, बेटी ने ही संपत्ति के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर माता पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। कानपुर के बर्रा इलाके 2 में हुई दंपत्ति की हत्या से सनसनी फैल गई। इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और वारदात की तफ्तीश शुरू करवा दी। वारदात की तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि मुन्ना लाल अपनी पत्नी राजदेवी और बेटे अनूप उत्तम के साथ गोद ली हुई बेटी कोमल के साथ रहते थे। मुन्ना लाल फील्ड गन फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करते थे और 1 साल पहले ही रिटायर हो चुके थे। वहीं पर मुन्ना लाल की लाडली बेटी कोमल ने ही अपने माँ बाप की मौत की साजिश रची। माँ बाप को क्या पता था कि जिस बेटी को इतने लाड प्यार से पाल रहे हैं, वही उनके मौत का कारण बनेगी। नाजो से पाली गई बेटी उनको बेरहमी से जान से मार देगी। हालांकि मर्डर के बाद बेटी ने सुबह पुलिस को जो कहानी बताई, उसमें शुरू से ही बड़ा झोल लग रहा था। बेटे ने बताया था कि रात में सभी लोग 8:30 पर जूस पीकर सो गए थे। पुलिस ने जब सारे सबूतों को खंगालना शुरू किया तो मृतक के घर के बाईं तरफ रहने वाले अभिषेक कुमार के यहाँ पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखा, जिसमें सफेद रंग का कपड़ा मुंह में लपेटे रोहित देर रात 12:52 पर घर में घुसता है और फिर वहां से रात के 2:10 पर बाहर निकलता है। लेकिन जब रोहित घर में दाखिल हुआ था तो उसके हाथ खाली थे, मगर वहां से निकलते वक्त रोहित के हाथ में एक झोला था। उसके घर में घुसने और बाहर निकलने के बीच में 2 घंटे से ज्यादा का गैप था। इससे ये शक हुआ कि घर के अंदर कोई तो था जिसने 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक रोहित को रोक रखा था। देखिए, अभी तक की जो जाँच की गई है और उसके अंदर कुछ हमें सीसीटीवी फुटेज मिल रहे हैं, जिसके अंदर एक लड़का आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी शिनाख्त की जा रही है। और जो उसके परिवार वालों ने एक अपने रिश्तेदारों के खिलाफ एक तहरीर दी है, हम उस बिंदु पर भी जांच कर रहे हैं। सभी पहलुओं को देखा जा रहा है और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। इसमें धारदार हथियार से की गई है। वो नीचे सोए हुए थे और साथ में उनकी बेटी भी सोई हुई थी। हम सारे पहलुओं पर देख रहे हैं और जल्दी ही घटना का अनावरण किया जाएगा। बस फिर क्या था, पुलिस को इस मामले में एक बड़ा सबूत हाथ लग गया। इस डबल मर्डर केस को पुलिस ने इस कड़ी के जरिए बड़ी आसानी से सुलझा दिया। पुलिस ने वारदात के बाद सख्ती से पूछताछ की तो कोमल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने पुलिस को बताया कि पहले माता पिता और भाई को जूस में कीटनाशक मिलाकर दिया और फिर प्रेमी रोहित को बुला लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर मुन्ना लाल को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पर बगल वाले कमरे में सो रही राजदेवी को भी चाकू से वार कर हत्या कर दी। कोमल ने पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल करते हुए कहा कि रोहित के साथ मिलकर माता पिता को मौत के घाट उतार दी और भाई को भी मारना चाहती, मगर उसने गेट ही नहीं खोला जिसकी वजह से वो बच गया। वही मम्मी पास थी, मम्मी मैं लेकिन ऐसा शाम को ऐसा लगा कि कुछ हम लोगों को पिला दिया गया है, तो हम शाम को चक्कर खा रहे थे। मतलब ये मुझे नहीं मालूम। इसने बहन ने कहा कि जूस भैया हमने जूस बनाया है उसका, अनार का और सलजम का, पी लो। तो मैंने थोड़ा पिया, नहीं ये टेस्ट कैसा लग रहा है, मैंने तो टेस्ट नहीं पिया है। मैं सो रहा था 3:30 के आसपास, तब बहन मेरे ऊपर बुलाने गई है, भैया जल्दी चलो वहाँ पे, देखो मम्मी पापा मरे पड़े हुए। हाँ, वो बीच वाले कमरे में लेटी थी बगल में। पुलिस ने बड़ी सूझबूझ के साथ इस मामले को 24 घंटे के अंदर ही सुलझा दिया। मर्डर केस में संपत्ति के लालच का एंगल तो आ गया, लेकिन फिर यहाँ से सवाल उठता है कि संपत्ति का लालच था
तो फिर संपत्ति के साझीदार भाई को बहन ने कैसे छोड़ दिया? बेटी ने नशीला पदार्थ खाने में मिलाया तो भाई पर उसका असर क्यों नहीं हुआ? फिलहाल पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर करता है। उसका अंजाम क्या होता है ये आपने खुद ही देख लिया है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।